सो हे एवरीवन, वेलकम टू दी हसलर्स। तो यार आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला कोर्स जो कि है फंडामेंटल ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, हमें C++ की क्या नीड है, हमें क्यों सीखनी चाहिए। तो यार मैं बता देता हूँ कि C++ आज के टाइम में सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली ग्रोइंग होने वाली लैंग्वेज है जो कि फैंग जैसी कंपनीज में यूज़ होती है। तो ये फैंग होता क्या है? तो फैंग यार एक वर्ड है जो कि ग्रुप ऑफ कंपनीज से मिलकर बना है, जिसमें आती हैं फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल जैसी कंपनीज यार इसमें लाइज करती हैं। अब फैंग ही क्यों? तो फैंग यार बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी हाई पे करती हैं इसमें वर्क करने के लिए एज अ रोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। तो C++ एक काफ़ी एफिशिएंट और फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है, तो इन कंपनीज में कोड या एल्गोरिथम लिखने के लिए C++ का काफ़ी यूज़ होता है। और बेसिकली C++ का जो कि यूज़ होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करने में, गेम्स बनाने में, ब्राउजर्स एंड सो ऑन। तो आज इस वीडियो में हम कवर करते हैं कि बेसिकली इंट्रोडक्शन टू C++। तो C++ होता क्या है यार? तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। वट इज़ C++? तो C++ होता क्या है यार, ये ओरिजिनेट हुआ कहाँ से है, इसकी हिस्ट्री क्या है, या ये केस सेंसिटिव है सी की तरह कि नहीं, और जो कि हमारा पैराडिगम है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये फॉलो करता है कि नहीं। तो देख लेते हैं यार व्हाट इज C++। यार C++ एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कह सकते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज का, जो कि हम कह सकते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज है। और बेसिकली यार ये एक सक्सेसर ऑफ सी है, और इसमें जो कि हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं .cpp जो कि स्टैंड करता है C++। तो मैं मान के चल रहा हूँ यार आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यानी बेसिक ऑपरेशंस पता होगा सी के बारे में। तो हम देखते हैं यार ये इसकी हिस्ट्री जनरेट कहाँ से हुई है। तो यार जो कि ये डेवलप्ड किया गया है बिजार्ने स्ट्राउस्ट्रप्स द्वारा, जो कि अर्ली 1980s में डेवलप्ड हुई। तो एक दिन यार ये अपनी AT&T बेल लेबोरेटरीज में बैठे हुए सोच रहे थे कि यार जो कि सी प्रोग्रामिंग है, तो सी प्रोग्रामिंग में दो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ हम यूज़ करते हैं। तो स्कैनएफ का रोल होता है यार बेसिकली रीड करने के लिए, और जो कि प्रिंटएफ होता है वो कि आउटपुट में शो करने के लिए जो कि स्टेटमेंट रीड की है। और परसेंटेज डी का रोल है वो कि एक कन्वर्जन स्पेसिफायर है। अब इसका मीन्स क्या है? तो कन्वर्जन स्पेसिफायर जो कि यूज़ होता है जो कि वैल्यू एन वेरिएबल में सेव हुई है यहाँ पे, उसको पॉइंट आउट करने के लिए यानी उस वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए परसेंट डी का हम यूज़ करते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट हम देख सकते हैं यार इसमें पैरेंथीसिस, मॉडुलस, कोमा एंड एड्रेस जैसे यार वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है। तो यार एक लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए और जो कि अदर लैंग्वेजेस हैं जैसे एल्गोल 68, सिम्यूला, BCPL, एडा एंड ML, तो इन सब को कंसिडर करते हुए उन्होंने कुछ सोचा और उनके दिमाग में आइडिया आया कि मैं यार एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करता हूँ जो कि इन सब की क्वालिटीज़ कंटेन करता है और साथ ही साथ इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फास्ट भी हो। तो उन्होंने यार C++ का इन्वेंशन किया। तो अब देखते हैं यार जैसे हम सी में देखते थे कि वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसी तरह यार C++ भी हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब केस सेंसिटिव होता क्या है? तो यार इसमें अपर एंड लोअर केस जो लेटर्स होते हैं वो कि डिफरेंट ट्रीट किए जाते हैं। अपर केस लेटर्स एंड जो लोअर केस लेटर्स होते हैं उन सब का जो कि ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट रोल प्ले करता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि ये अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स का मीन्स क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है जो कि डिफाइन किया हमने इंटीजर टाइप से, यहाँ पे लिया हमने इंट एज इक्वल्स टू 16। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे इंट एज इक्वल्स टू 70 लिया है, लेकिन इसमें एज में ए कैपिटल है। और तीसरे में देखते हैं यार हमने इंट एज इक्वल्स टू 80 लिया है जो कि एज में तीनों वर्ड कैपिटल है। तो यहाँ पे जो कि एज वर्ड है वो वर्ड तो एक है लेकिन तीनों में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो अलग अलग हो रही है। इसका मतलब ये है यार जो कि एक वेरिएबल है ये एक वेरिएबल ना होकर तीन अलग अलग वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है। इसी का मीन्स यहाँ पे ये कि जो कि लोअर केस लेटर्स हैं और जो कि अपर केस लेटर्स हैं ये यहाँ पे डिफरेंटली ट्रीट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि हम डिनोट करते हैं ऊप से। तो यार बेसिकली एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है जो कि बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो अब इसका रोल क्या है? तो यार ये कंटेन करता है डाटा एंड कोड। डाटा किस फॉर्म में? यार इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स। अब इसका फीचर क्या है? तो यार ऑब्जेक्ट का फीचर है कि वो एक्सेस कर सकता है अपने ऑन प्रोसीजर्स को
और खुद यार वो मॉडिफाई कर सकता है डेटा फील्ड्स को। जिस तरह हम देखते हैं यार क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्लास यार एक रूम है जहां पर स्टूडेंट्स अपना हर एक रोल प्ले करते हैं। इसी तरह यार प्रोग्रामिंग में यार एक क्लास होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स अपना रोल प्ले करते हैं डिफरेंट मेथड एंड स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ। तो यार ओप्स का एम क्या होता है? तो इसका एम है यार तो इंप्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज। अब एंटिटीज क्या होती हैं? अब देख सकते हैं हम जैसे यार यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, एनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। तो यार ये 6 ऐसी एंटिटीज हैं जिसके बेस पर ये ओप्स डेवलप्ड हुआ है। तो मैं आपको यार थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ इन टर्म्स से। तो बेसिकली यार एनकैप्सुलेशन एक मेथड है जो कि हाइड करता है डाटा को एक सिंगल एंटिटी और हम कह सकते हैं यार एक यूनिट, यानी सिंगल यूनिट की फॉर्म में, इसलिए ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें यार अपनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड एक्सेस से। इसी तरह यार एब्स्ट्रैक्शन का भी यही सेम रोल है, जो कि एक ये भी एक मेथड है जो कि हाइड करता है डेटा को फ्रॉम अनवांटेड इन्फॉर्मेशन से। देखते हैं यार हम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देख लेते हैं यार रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। एक मैन एक रोल प्ले करता है फादर का, एक हस्बैंड का और एक एम्प्लॉय होता है किसी कंपनी में। तो यार वो एक सेम ही पर्सन डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है अपनी लाइफ में। तो यार इसकी एक शो करता है कि वो डिफरेंट एबिलिटीज या डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है इन डिफरेंट सिचुएशन में। ये पॉलीमॉर्फिज्म का रोल है। इस एग्जाम्पल से कह सकते हैं हम कि क्लास में जो कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं यार वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो रोल प्ले क्या करते हैं यार, वो फंक्शन कॉलिंग के लिए भी यूज होते हैं और वेरिएबल्स के लिए भी यूज होते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स ही डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं क्लास में। अगला पॉइंट देखते हैं यार इनहेरिटेंस। एक क्लास एक दूसरी क्लास को डेवलप करती है जो कि हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास को, और जो कि पहली क्लास होती है उसको बोलते हैं बेस क्लास। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हम बेस क्लास में यूज कर रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम ड्राइव्ड क्लास में भी यूज कर सकते हैं। तो जो कि ड्राइव्ड क्लास होती है वो इनहेरिट कर लेती है बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को। तो यार इस वीडियो में बस इतना। आने वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे ओप्स को डिटेल में विद एग्जांपल के साथ, और अगली वीडियो में हम कवर करेंगे C++ का पहला कोड जो कि हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम इस तरह आपके लिए रिसोर्सेज लाते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू।